नमस्ते, वेलकम। चलिए आज के सेशन के लिए तैयार होते हैं। इन अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ वी विल बिगिन टुडे सेशन। टिल देन लेट अस बिगिन सांस समीक्षा, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ, द इन फ्लो एंड आउट फ्लो ऑफ ब्रेथ। ब्रीद इन and breathe out with awareness. Just take your awareness at your spine and check if it is straight, comfortable. Take your awareness at your shoulders and see if they are completely well aligned and relaxed. Your attention at your neck to make it straight. Your attention at your eyes. No stress around your eyes, just relax and observe. अपना पूरा ध्यान मेरुदंड पर ले जाएं। देखें कि आपका मेरुदंड एकदम सीधा है कि नहीं। ध्यान कांधों पर ले जाएं। कांधों को शांत और ढीला छोड़े, सिकुड़े नहीं। ध्यान गले पर सीधा और चेहरे पर, आंखों पर। आंखें मृदुता से बंद हो। आंखों के चारों ओर न कोई खिंचाव न कोई कतनाव, शांत प्रशांत मन। आती जाती सांसों को देखता हुआ मन, गहराइयों में उतरता हुआ मन, विचारों को छोड़ता हुआ मन, शांत मन। सजग मन, समता भरा मन। Take your awareness at your mind. A mind that is dropping the thoughts. A mind that is entering the inner zones. A mind that is quietening. A mind that is still in this moment. A mind that is dropping the wandering and focusing in this present moment. With such a beautiful state of mind, let's begin today's session. Take both your palms in Namaskar Mahamudra. Namaskar Mahamudra and connect to your Anahata Chakra
through your thumb tips. Breathe in again and breathe out with awareness. Experience sama pran sama sthiti within. Sama pran sama sthiti. Breath body well aligned. Mental and emotional body calming down, being equanimous. मन की इस शांत अवस्था में अब परमात्मा से जुड़ने के लिए आप कोई प्रेयर चांट करें, मंत्र बोले, सूत्र बोले, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं. चांट अ प्रेयर इन योर माइंड एंड कनेक्ट टू द डिवाइन. As the chattering of mind reduces and you connect to the prayer, you feel tremendous divine vibrations in and around us. अपने आसपास, अपने भीतर देवी ऊर्जाओं को पाएं. मन को कहे अब तू शांत हो जा. मैं मन का मालिक जागृत हूं. आई एम इनवोक्ड. आई द मास्टर ऑफ माई माइंड. आई एम इनवोक्ड. When you as a master of your mind begin taking command, mind has no choice but to follow your commands. Mahasankalp le, sharir ki tandurasti, man ki shanti aur atma ki unnati ke liye hum ye prayog kar rahe hain. I am doing this session for my holistic healing, for wellness in my body, for peace in my mind, and for ascension of my soul. With this beautiful intention, rub your palms, take the energy on your eyes and face, and slowly, gradually open your eyes. Open your eyes with lot of power, feeling power within. आँखें खोले, अपने आप को शक्तिशाली पाएं. I Manisha Shah welcome each one of you to this beautiful zone of Mirage 2 Oasis. My heart fills with immense gratitude. My head bows at all of you for being here regularly and meditating. Thank you so much. It is so encouraging. It is so motivating. Thank you, thank you, thank you. So, जो मैंने कहा कि मन को कहे कि मैं हाजिर हूँ. अब मैं हाजिर हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी है. मन को जब ये पता चल जाता है ना कि मालिक जाग रहा है, तो वो फिर अपने मालिक की हर सोच को, उसके कमांड को फॉलो करना शुरू करता है. तब तक है ना बेलगाम होता है मन,
ना उसका कोई मालिक है, ना उसको कोई गाइड करने वाला है। तो अंतर्मन की गहराइयों में जो संस्कार कुसंस्कार पड़े हैं, पुराने अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों पड़े हैं, तो उसी के ऊपर से वो ऑपरेट करता रहता है। लेकिन जब आप जागृत हो जाते हैं तो मन आपकी बात सुनता है और आप जो कह रहे हैं वो उसी को फॉलो करता है। तो इसीलिए मन को ये इंडिकेशन देना कि सुनो, अब मालिक जागृत है, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज की जो हमारी सेशन है वो इससे बहुत करीब है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस की। देखिए, रिच होना और प्रॉस्परस होना बहुत अलग बातें हैं। रिच यानी बहुत पैसा कमा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, घर गाड़ी बंगले बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, नॉट डीमीनिंग दैट, ऑफकोर्स उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, पूरी ज़िंदगी की अपनी मेहनत से बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हुए इंसान इसको इकट्ठा करता है, और इट एंड माई ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट। बट जब एक इंसान प्रॉस्परस होता है ना, तब वो रिचनेस तो है ही, लेकिन रिचनेस के साथ साथ बहुत सारी और अमीरी आती है उसके भीतर। अमीरी विचारों की, अमीरी शब्दों की, अमीरी कार्यों की, बहुत प्रकार की अमीरी। When the prosperity consciousness comes to a person, he becomes rich in what he speaks, his words. He becomes rich in his actions. And he becomes rich in his thoughts and the emotions that he feels inside. So, richness ko maapne ka maapdand sirf kitna paisa hai wo ho sakta hai, lekin prosperity ko naapne ka jo maapdand hai wo bahut sari cheezon par aadharit hai. Jo insaan prosperous hai, uski har area mein aap ek आनंद और खुशी को देखेंगे। पैसा है, बहुत है, किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़े, उतना तो ज़रूर है, उससे ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और हेल्थ बहुत उमदा सपोर्ट करती है उसको, अपने हर कार्य को करने में सपोर्ट करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ही फील्स वेरी कंफर्टेबल इन द बॉडी। और रिश्तों में स्नेह का, प्यार का ऐसा झरना बहता है, हर रिश्ता। देखिए, मैं मानती हूँ कुछ रिश्तों में हम बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह फील करते हैं, कुछ में थोड़ा कम फील करते हैं, लेकिन बिगड़े हुए रिश्ते तो बिल्कुल नहीं, बैर की भावना तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो होता है वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो देखिए, पैसे में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस हो वो भी अच्छी बात नहीं, रिश्तों में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वो भी अच्छी बात नहीं, हेल्थ में पॉवर्टी कॉन्शियसनेस ये भी अच्छी बात नहीं। तो हर फील्ड में हमें प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मेंटल और स्पिरिचुअल रियल्म में आप कितनी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में हो या कितनी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में हो, आप विचारों से कितने अमीर हो और विचारों से कितने गरीब हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग मुझे कभी कभी बताते हैं कि बहुत सारे वर्कशॉप्स में वो जाते हैं जहाँ पे पैसा कैसे अट्रैक्ट किया जाए, प्रचुरता में अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट किया जाए, हाउ टू अट्रैक्ट मनी अबंडेंस। देर आर लॉट्स ऑफ वर्कशॉप्स विच आर टीचिंग दिस एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक विषय है, बहुत ज़रूरी है। बट मिराज टू इज इसमें वी टॉक अबाउट पैसा, डेफिनेटली येस, और उसके साथ साथ जीवन में हर आपके हर एक एरिया में प्रचुरता, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, समृद्धि हर प्रकार की, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा मेडिटेशन इस एरिया में जा रहा है। तो चलिए, आज फिर हम हस्त पंजा नर्व शुद्धि प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जिन जो लोग रोज़ ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरी बातें ना सुने, स्विच ऑफ कर ले अपने माइंड में और अपने 7 राउंड हस्त पंजा नर्व शुद्धि के करें। यहाँ बात यह है कि
बहुत लोग नए 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 जुड़ रहे हैं और हमें बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हस्तपंजा नरवशुद्धि हर अलग 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 आसन में कैसे करें। वो आज मैं थोड़ा सा बताने, जिनको आता है वो मेरी बात ना सुने अपने, और आप अपने हिसाब से 7 राउंड हस्तपंजा नरवशुद्धि पूरी तरह से करें, और जो नए हैं वो मेरी बात सुने। हस्तपंजा नरवशुद्धि ये और उसके साथ इसको ताड़ासन में अगर करना चाहते हैं तो ताड़ासन आप करते हैं, इस तरह से हाथ ऊपर किए जाते हैं, इसको हम ताड़ासन कहते हैं। खड़े होकर अपने पैरों पर, तो पैरों को शोल्डर लेवल पे रखें और ताड़ासन में हाथ ऊपर करें, लेकिन हील्स पे नहीं आना है, हील्स को ऊपर नहीं करना है, आपको दोनों पैरों को फ्लैट रखना है और ऊपर खींचते हुए सांस भर के आपको रैपिड एक्सहेलेशन करने हैं। नर्वस शुद्धि कपालभाति का दूसरा नाम है। हस्तपंजा नर्वस शुद्धि यानी आप फिस्ट मूवमेंट के साथ साथ आप रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे, इस तरह से। तो ताड़ासन में खड़े होकर, या आप हस्तपादासन में, यानी ताड़ासन लेने के बाद हम नीचे जाते हैं, कमर से जितना झुक पाते हैं, और वहां नीचे जाकर वहां पे हाथ को पैरों के पैरेलल रखकर इस तरह का मोमेंट करते हुए, यही रैपिड एक्सेलेशन। या वक्रासन में यानी सीधे से अपने हाथों को इस तरह से करके यहां कर सकते हैं, या आप इस तरह से हाथ रख के यहां कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग आसन, हर राउंड में अलग आसन भी ले सकते हैं। अगर आप हर एक राउंड में अलग अलग आसन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे आज हस्त पंजा नर्वशुद्धि, राइट। तो मैंने गाइड किया है, तो जो नया सीख रहे हैं वो आज 3 राउंड करेंगे, जो पुराने हैं उनका तो ऑलमोस्ट 4 राउंड हो गए होंगे, तो वो हमारे साथ साथ और 3 राउंड कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हस्त पंजा नर्वशुद्धि। आंखें बंद, इस पूरे एक्सरसाइज में आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है, मेरी आवाज पे ध्यान, आप पोजीशन ले ले ताड़ासन में या कोई भी आसन ले रहे हैं तो उस पोजीशन में आए, ब्रीद इन एंड बिगिन। मैं एक मॉडरेट स्पीड पे कर रही हूँ, आप इससे स्लो कर सकते हैं। इस तरह से नया नया कर रहे हैं तो, और फिर जितने थोड़े स्ट्रोक दे पाए दो दे दे, और उसके बाद रिलैक्स। ऑब्जर्व ऑब्जर्व व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर हेड अराउंड योर फोरहेड आईज व्हाइल यू डू दिस एक्सरसाइज। रेडी फॉर द सेकेंड राउंड, रेज योर हैंड्स, ब्रीद इन एंड बिगिन। डू एज मच एज यू कैन, आप जितना कर सकते उतना करें, कुछ इसमें सही गलत नहीं है। आप जो स्पीड पे कर सकते हैं करें, उसमें भी कोई सही गलत नहीं है। और रिलैक्स, जब रिलैक्स करते तब भी आंखें बंद ही रखनी है, आंखें खोलने का बिल्कुल काम नहीं है। अगर आप आंखें खोल देते हैं सडनली तो हेडेक डेवलप हो सकता है। रेडी फॉर द थर्ड एंड द फाइनल राउंड, टेक योर पोजिशंस, ब्रीद इन एंड बिगिन। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी टू डू ताड़ासन राइट नाउ एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग नॉर्मली एंड डूइंग। आप जो आसन में करना चाहते हैं करें,
रिलैक्स। अब बंद आंखों में अपने सिर से, कंधे कंधे से, कमर कमर से, अपने पंजे तक आपका ध्यान ले जाएं। इन दिस साइलेंस टेक योर अवेयरनेस टू योर हेड, टू योर नेक, टू योर शोल्डर्स, डाउन टू योर हिप जॉइंट एंड डाउन टू योर फीट। फील द रिलैक्सेशन इन योर होल बॉडी। शरीर के हर हिस्से में रिलैक्सेशन फील करें। आंखें बंद ही रखें और देखें, मन की आंखों से अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाएं। हस्तपंजा नर्वस हृदय करते हुए आपके पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड इन्फ्लुएंस होते हैं और उनसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब ये हॉर्मोन्स आते हैं, शरीर को मिलते हैं, तो शरीर और मन दोनों ही प्रफुल्लित होते हैं। दीज फोर हॉर्मोन्स मेंटेन अवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। Keep your eyes closed now and be ready for today's meditation. आज के ध्यान प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। एक कंफर्टेबल आसन में बैठें। हथेलियों को आकाश की तरफ खुला छोड़ें। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और अपनी आती जाती सांसों से जुड़े। सांस भरे और छोड़े। ब्रिंग योरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, स्ट्रेट स्पाइन एंड नेक, आईज क्लोज जेंटली। ऑब्जर्व द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ योर ब्रेथ। Breathe in deeply, breathe out slowly. Shant, shant, shant. मन मस्तिष्क चित्त को शांत करते हुए अब भीतर उतरने को तैयार। रेडी टू गो डीप विद इन। रिपीट द वर्ड रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। As you are repeating this word relaxation, each and every cell in your body is relaxing. Each and every organ is relaxing. Each and every bone and nerve is relaxing. Experience this relaxation. आपको कुछ नहीं करना, बस शांत होकर बैठ जाएं और अपने मन को कहे रिलैक्स। देखिए, मालिक जागृत हो गया तो मन तो बात सुनता ही है और रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। द माइंड नाउ रियलाइजेस दैट माय मास्टर इज इन कमांड and so the mind follows your instructions. Repeat the word peaceful 7 times. Peaceful.
पीसफुल, 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 पीसफुल। योर इमोशनल बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दिस कमांड एंड क्वाइटनिंग फ्रॉम विद इन। आपका शरीर, आपका मन शांत हो चुका है। मन की इस शांत अवस्था में जब मैं तीन कहूं, अपने आप को एक सुंदर से बागीचे में देखे, 1, 2, 3, सी योरसेल्फ, फाइंड योरसेल्फ इन अ ब्यूटिफुल गार्डन। यू आर एक्सपीरियंसिंग द मैजिक ऑफ नेचर अराउंड। इस कुदरत के चमत्कारिक नजारों को आप देख रहे हैं, क्या ये चमत्कार नहीं कि एक एप्पल का बीज डाला जाए तो बड़ा पेड़ बन जाता है और उसमें हजारों सेब लटकने लगते हैं और सेब ही लटकते हैं, कुछ और नहीं। Isn't it magical to see when you put a seed of a mango tree, just a little seed grows into a huge tree and thousands of mangoes are hanging there and only mangoes are coming and nothing else। क्या ये मैजिक नहीं है कि समंदर से बाँ फूटती है, बादलों में जाती है और फिर प्रचुरता में बारिश बनकर बरसती है, फिर नदियों में जाती है, नदियाँ बहती हैं अलखाती बलखाती, फिर वो समंदर में जा मिलती है। क्या ये मैजिक नहीं, ये चारों तरफ हम जो कुदरत का नज़ारा देखते हैं, कॉस्मिक डांस देखते हैं, रोज सुबह सूरज उगता है, रात होते ही चांद तारे टिमटिमाने लगते हैं, सीजन के बाद हर सीजन आती है, क्या ये मैजिक नहीं? Isn't it magical to observe this cosmic dance of beautiful nature spreading around the mountains, the oceans, beautiful rivers, beautiful animal kingdom, the birds chirping, the flowers blooming, sun rising, stars twinkling? Isn't it magical? See how abundant this nature is. It is a law of abundance. इस दुनिया में कुछ कम है ही नहीं, सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, गरीबी कहीं है ही नहीं। इस कुदरत को देखे, अमीर 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 है वो। इट इज सो रिच एंड अबंडेंट। गरीबी हमारे विचारों में है, द पॉवर्टी लाइज इन अवर ओन थॉट्स एंड इमोशंस। और अवर लिमिटेड डेफिनेशंस ऑफ रिचनेस। हम अमीरी को
बहुत ही लघु दृष्टि से देखते हैं, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारे मन में हमने अमीर को बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करके रखा है। खोल दे अपना माइंड आज, ओपन योर माइंड फॉर प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। इट इज योर कॉन्शियसनेस विच नीड्स टू बी प्रॉस्परस। द आउटर प्रॉस्पेरिटी इट कम्स बाय इटसेल्फ, एंड सम मटीरियलिस्टिकली यू मे फील लैक ऑल्सो, but know that it is just a cycle. The growth comes by itself. Allow the cycle to beautifully move for you. If you want to be rich and prosperous, take your awareness in giving. What are you giving in the outer world? When we talk about giving, it's not always about donating money. You can donate n number of things. You can donate your time to someone. You can donate your abilities, creativity to someone. You can help people in several ways. You can donate smiles and hopes. आप लोगों को आशा दे सकते हैं, एक reassuring smile दे सकते हैं, एक hug दे सकते हैं, कांधा दे सकते हैं रोने के लिए, समय दे सकते हैं, श्रम का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, और पैसों का दान तो कर ही सकते हैं। जब आप लोगों को खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ अनेक गुना होकर आपके पास आती हैं। लोगों में आनंद बांटते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद अपने आप भर जाता है। क्या कमी लग रही है आपको, बांटना शुरू करिए। परमात्मा ने आपको जैसे इस कुदरत को प्रचुर बनाया, आपको भी प्रचुरता से भरा है। ढूंढे अपनी प्रचुरता को। प्रचुरता को सिर्फ पैसों में ना देखें। सर्च फॉर योर ओन अबंडेंस। अबंडेंस कम्स इन सेवरल वेज। डू नॉट सर्च फॉर अबंडेंस ओनली इन फॉर्म ऑफ मनी और पावर। यू हैव बीन blessed with unique abundance. Find your abundance and spread in the outer world. Learn to give. Find yourself walking deep into this garden. If you have done the healing meditation with me, you must have done the mind garden where you found Kalpavriksha and Amarfal to heal your body. Very close to that tree, that particular tree that you see, saw. If you have not done also, not an issue. You just find yourself walking in a beautiful garden with unique trees, having extraordinary fruits hanging on them. Visualize करे, अपने visualization की शक्ति को लगाएं, कल्पना शक्ति को जागृत करे. Visualize a beautiful garden having n number of beautiful trees with wonderful fruits. You're walking deep in that garden and you see one beautiful tree with golden glow. You go closer. Today that tree is gifting you prosperity, abundance and money. We mostly relate richness and abundance with money. So today this tree you can see
इट्स हैंगिंग मनी करेंसी, पैसा, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, आप क्या देखना चाहते हैं वो लटक रहे हैं। देर इज एन अनलिमिटेड अकाउंट इन द यूनिवर्स फ्रॉम वेयर यू कैन कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली कीप डूइंग योर जीपे एंड पेटीएम। विजुअलाइज योर, मेक योर विजुअलाइजेशन वेरी क्रिएटिव। आप क्या विजुअलाइज करना चाहते हैं? And as you enter the zone of this aura of this tree, money is showering on you in abundance. There are bags lying around. You can fill the bags with money and you can shift your awareness to your house and see your wardrobes filled with money, your bank balance is going up. But this money fills you with kind and compassionate thoughts. Of course, you're using this money for your own needs, comforts, luxuries, for your family members. But you're seeing now that you're donating money in abundance. You're helping the poor and the needy. Probably you're opening the schools and hospitals. You're opening up wellness centers for mind. You're providing the facilities where people can experience holistic healing. तो देखिए आप कि ये जो प्रचुर मात्रा में पैसा आपके पास आया है आपकी सुख सुविधा के लिए तो है ही, लेकिन आप इस जगत के जीव मात्र को मदद करना चाहते हैं और इस पैसों से आप अनेक प्रकार की सेवाएं बाहर की दुनिया में दे रहे हैं। अब आपको पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं क्योंकि आपने प्रचुरता अपने भीतर पा ली। You are finding abundance within. So drop your all your worry energy associated with money. Just drop. Find yourself rich and abundant. Believe and throb in prosperity consciousness. Thank God and universe for this beautiful vision, for this beautiful visualization and realization that yes, I am rich, I am abundant. I know there might be people who may feel that you do not know what kind of lack we are experiencing. Drop the thoughts of lack. Because abundance and richness begins from mind. It is psychosomatic in nature. Feel money in your life, presence of money in a most beautiful and divine way. In Indian heritage, money is symbolically called as Ma Lakshmi. Soche to sahi. जो कल्चर पैसे को माँ लक्ष्मी कहता है, माँ कहता है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है और हमेशा उसके लिए ही रहती है, तो क्या डर है, क्या चिंता है? आपकी हर जरूरत पूरी होगी। बस आप मन से चिंताओं जाने दें और मन को विश्वास से भर ले कि हाँ, मेरी माँ है, मेरी पालनहार है, ये मुझे पालेगी, पाल रही थी, पाल रही है और हमेशा के लिए पालेगी। इस विश्वास को अपने भीतर जाने दें। इस विश्वास के साथ
अपने मन को आनंद से भरे, झूमे नाचे, आज आपकी हर कमी पूरी हो गई है। आपके पास सब कुछ प्रचुरता में है। अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ पीस, अबंडेंस ऑफ जॉय, अबंडेंस ऑफ हेल्थ इन द बॉडी एंड अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एन एसेंशन। नहाए इस प्रचुरता में, फाइंड योर सेल्फ बेदिंग इन दिस प्रॉस्पैरिटी कॉन्शियसनेस। एवरी सेल इन योर बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद दिस प्रॉस्पैरिटी। समृद्धि की, ऐश्वर्य की, आनंद की और संतोष की लागनी से भरे अपने आप को। द ट्रू अबंडेंस इज व्हेन यू फील सैटिस्फैक्शन इन हियर एंड नाउ विथ वॉट एवर लिटिल यू हैव और वॉट एवर अबंडेंस यू हैव। फील एब्सोल्यूटली सैटिस्फाइड। एवरीथिंग इज एग्जैक्ट एंड परफेक्ट इन योर लाइफ राइट नाउ। जो जितना है वो उतना ही मात्रा में इस वक्त एग्जैक्ट एंड परफेक्ट है। एक्सेप्टेंस में आए और फिर अपने मन को प्रचुरता की ओर ले जाए। विद दिस ऑसम फीलिंग ऑफ अबंडेंस, व्हेन आई से थ्री, फाइंड योर सेल्फ इन दिस बॉडी। 1, 2, 3। अपने आप को इस शरीर में महसूस करें, शरीर के अंग प्रत्यंग को फील करें। फील द प्रेजेंट मोमेंट। रब योर पाम्स रिगरसली, टेक द एनर्जी ऑन योर आईज, पाम देम, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, कीप इट क्लोज। टेक बोथ योर हैंड्स इन ब्लेसिंग मुद्रा। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में ले। आज तो बहुत अबंडेंस फील किया है, अपने आप को बहुत रिच पाया है हर प्रकार से, और देने की विजन्स भी किए हैं, विजुअलाइजेशंस भी किए हैं, तो बस दोनों हाथों से लुटाएं। इस जगत के जीव मात्र को, इस शांति, इस आनंद के वाइब्रेशन से भर दे। जिंदगी क्या है सोचिए, क्या पाया क्या खोया, क्या खोकर क्या पाया, क्या पाकर क्या खोया, ये तो एक खेला ही है। दोनों हथेली से वाइब्रेशंस को बाहर जाते हुए इस भावना को फील करें। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कितनी है जिंदगी, सिर्फ दो पल की, दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। इस जीवन को एक प्यार का नगमा बना ले, बाकी सब आता जाता रहेगा, बस ये प्यार अपने हृदय से कभी कम ना हो, और ये प्यार देना हम कभी कम ना करें। इस भावना के साथ दोबारा अपनी हथेलियों को रगड़े, एनर्जी को चेहरे पर, गले पर, शोल्डर्स और हाथ पर ले। दोबारा ऐसा करते हुए अपने पूरे शरीर को टच करें और इसके अबंडेंस को फील करें, और हृदय को थैंक यू थैंक यू थैंक यू से भर दे। फील रिच, फील अबंडेंट। Open your eyes. Thank you.
थैंक यू फॉर मेकिंग मी सो अबंडेंट इन लाइफ विद सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ मोटिवेशन. थैंक यू. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. आज मैंने समय बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया है, लेकिन बात ही ऐसी थी, आज हमें अपने आप को प्रॉस्पैरिटी कॉन्शियसनेस से भरना था, तो आज बहुत भरा पूरा पाए अपने आप को. और मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग, हो सके तो 2-4 मिनट के लिए बैठे और उसके बाद उठकर अपने काम पे लगे, और अगर बहुत लेट हो रहा है तो आप आराम से उठ सकते हैं. थैंक यू. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू.